मैम, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून ऑल, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस मेरा मैम, नाम आ है रही है। ओके। ठीक है, तो अब हम क्लास शुरू करते हैं। तो भारती, आपका यस मैम, एक रीडिंग में एक होमवर्क है, पिछली क्लास में आप नहीं थे, यस तो हमने एक द पॉट्स एक स्टोरी किया था कवर, उसको इंग्लिश में सारे बच्चों ने एक्सप्लेन किया। तो यस मैं मैम, आपको लिंक भेज दूंगी, आप उसको एक बार देखकर मुझे एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है? ओके मैम, ओके मैम, आज हम आगे बढ़ते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लेजी सन। ओके, तो ये स्टोरी भी हम वैसे ही वॉच वॉच करेंगे, एंड जैसे हो सका वैसे आप लोग एक्सप्लेन करने की ओके कोशिश आपने नेक्स्ट टाइम किया था। ओके ओके मैम, मैम। आप सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस मैम, यस मैम, सभी को? यस सबको, मुझे भी। ओके, तो ये स्टोरी बहुत इजी है एंड ये एक लड़के के ऊपर बेस्ड है, तो चलो हम इसे सुनना शुरू करते हैं। मैम आवाज नहीं आ रही है स्टोरी की। मैम बैकग्राउंड से आवाज बहुत आ रही है। हेलो, आ रही है आवाज? यस मैम, आ रही है। यस मैम, आप सभी को आवाज आ रही है? यस मैम, यस मैम, आ रही है। बहुत इको आ रहा है लेकिन। आप सभी को ये समझ में आ रहा है या फिर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूं? मैम दोनों में एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, मैम स्क्रीन पर कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ मैम, कुछ दिख नहीं रहा। अब दिखाई दे रहे हैं? यस मैम, यस मैम, ओके गुड। मतलब एक गांव था, वहां रिच मैन रहता था, उसका नाम लिंडा था। उसके जो बेटे का नाम है, उसका बेटे का नाम सुमित था, और वो बहुत ही लेजी, मतलब आप लोग समझते हो ना, आलसी इंसान। यस यस मैम, यस मैम, तो यहाँ से 50% बच्चे वही होंगे। ओके,
मनी लेंडर क्या होता है किसी को पता है? नो मैम। मनी लेंडर होता है पैसे उधार उधार देने वाला। अच्छा अच्छा यस जो मनी लेंडर था वो बहुत हार्ड वर्किंग था। वो सन मतलब जो सन होता है सन उगने से पहले यानी सनराइज बिफोर वो सन उगने से पहले ही वो सबसे पहले क्या करता था शिव जी के मंदिर जाता था। मतलब ऑलमोस्ट ये बहुत हार्ड वर्किंग था। फिर वो अपने फार्म हाउस जाता था फिर अपने मतलब जहाँ गायों को रखते तबेले में वहां जाता था फिर अपने शॉप पे जाता था। जो मनी लेंडर था वो अपने सन से बहुत ज्यादा अपसेट था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लेजी था। बेटा उठो मेरे साथ काम पर चलो। इन हेल्प मी मतलब मेरी मदद करो मेरे काम में। नहीं पापा अभी नहीं अभी तो मुझे सोना है। जो मनी लेंडर था वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गया लेकिन फिर भी वो अपने काम पे फिर चला गया। कुछ दिनों के बाद और कुछ दिनों के बाद उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई एंड कुछ दिनों के बाद उसकी डेथ हो गई यानी वो मर गया। लेकिन जो सुमित था इससे उसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो फिर भी अपने मतलब सो ही रहा था आलस को लेके। मतलब जब उनकी डेथ हो गई तो जब कोई ध्यान नहीं देगा काम में तो लॉस होना कंफर्म है। फिर लॉस होने लगा। फिर जो उसकी मम्मा थी एक दिन उसकी मम्मा ने बेटा हम बहुत ज्यादा लॉस सह रहे हैं मैं इसमें क्या कर सकता हूँ मुझे इस बिजनेस में कोई भी नॉलेज नहीं है। मतलब मुझे वहां मैं कभी गया ही नहीं पापा के साथ ना मुझे जाना है। तुम्हारे जो ग्रैंड फादर है या जिन्हें जो तुम्हारे नाना जी हैं वो दूसरे गांव में रह रहे हैं जाके मिलो और इस बिजनेस के बारे में बात करो। इस बिजनेस के बारे में उनको बहुत ज्यादा जानकारी है। तुम जाओ उनसे मिलो और बात करो वो तुम्हारे प्रॉब्लम का सलूशन देंगे। ओके मॉम मतलब ठीक है मम्मी मैं कल चला जाऊंगा ओनली। नेक्स्ट डे जो सुमित था वो उठ के अपने ग्रैंडपा के पास गया और उनको नमस्ते बोल रहा है। कैसे हो तुम सही हो अच्छी बात है। और फिर उसने बोलना शुरू किया कि मतलब पापा जी पापा के जाने के बाद हम बहुत ज्यादा जो लॉस है वो सह रहे हैं। मम्मा ने बोला कि मैं जाऊं आप आऊं आपके पास तो मैं आया हूं। अब इस चीज में अब आप ही मेरी हेल्प कर सकते हो। तुम्हारी मम्मा बिल्कुल सही है
मेरे पास जवाब है तुम्हारे प्रॉब्लम का। बताओ नाना जी, जल्दी बताओ। तुम सिर्फ एक काम करो, अपने पापा की तरह सनराइज से पहले उठो, यानी सूर्य को जगाने से पहले तुम उठो और फिर शिव जी के टेंपल जाओ, यानी शिव जी के मंदिर जाओ। और जब आप तुम अपने मंदिर जाओगे तो उसके बाद अपने सारे बिजनेस को एक बार देखते देखते चलो। तुम्हें बस ये करना है एवरी डे। मैं बिल्कुल ऐसे करूंगा जैसे आपने मुझे बोला है। नेक्स्ट दिन, मतलब अगले दिन, सुमित अपने आप ही उठ गया और सबसे पहले वो मंदिर गया। कुछ और कुछ देर के बाद वो अपने सारे बिजनेस को देखते देखते चला। एवरी डे वो ना हर रोज वो अपने खेत पे जाता था और ऐसे ही उसकी रूटीन चलती रहती थी। बस उसका आना था, सुबह उठकर पहले मंदिर जाना था, फिर ऐसे ही खेत को देखना था और अपने दुकान को देखना था, अपने बिजनेस को देखना था। बस उसका एवरीडे का यही था। जो वहां के खेत के लेबर थे वो अपने में बातचीत कर रहे हैं। क्या तुमने देखा सर हर रोज आने लगे हैं? अब हम अपने सारे जो स्कैम है, यानी जितने बहाने हैं, जितनी चीजें हैं, वो हम रोक देते हैं। तुम सही हो, हमने तो इतने दिन से ट्रैप लगा रखा था। मतलब वो एवरीडे जाने लगा और जो आलसी किसान थे, जो आलसी लोग थे, वो उन्होंने उनको देखा कि वो एवरीडे आ रहे हैं। अब क्या होगा जब मालिक ने, मतलब ऐसे देखेगा कि ऐसे काम कर रहे, तो ऑब्वियसली उसको हटा देगा। इसलिए उसके बाद ये लोग अपने आप धीरे धीरे लाइन पे आ गए और अपने सारे ट्रैप हटा दिए, जैसे बिजनेस नहीं हो रहा, हम काम तो कर रहे हैं, कोई कस्टमर नहीं आ रहा, ऐसे ऐसे करके। और अब लॉस होना बंद हो गया, उल्टा और इनकी बिक्री हो गई और भी ये ज्यादा मशहूर हो गए। और उसकी मम्मा और सन दोबारा अमीर हो गए। देखो मम्मी, हम दोबारा से अमीर हो गए ग्रैंडपा, यानी नाना जी के एक कहने पर। तुम सही बोल रहे हो, तुम अपने ग्रैंडपा के पास गए एंड उनके पास जाओ और उनको थैंक यू बोल के आओ। और फिर उसने अपनी मम्मा की बात सुनी और अपने ग्रैंडपा के पास गया उनको थैंक यू बोलने के लिए। आपकी वजह से सबको सही हो गया, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। और ये सब जो भी हुआ सब आपकी वजह से हुआ है, हमारा बिजनेस दोबारा से खड़ा हो गया है। नहीं बेटा, मैंने कुछ भी नहीं किया, तुमने अपने सारे हार्ड वर्क यानी अपनी मेहनत वाली चीजें कंप्लीट की। मैंने पर कैसे? ये जो सब कुछ था ये तुम्हारा लेजीपन था।
और तुम्हारे में लेजी एटीट्यूड था, तुम कोई भी फोकस नहीं कर रहे थे अपने बिजनेस में, और जो लेबर्स थे वो एडवांस हो गए थे, यानी वो लेजी हो गए थे, वो कोई काम नहीं कर रहे थे, और अपने जितने भी उनके मतलब उनके जो चाले थी वो सारे उनकी डन हो रहा था, क्योंकि तुम तो जा ही नहीं रहे थे। लेकिन अब तुम एवरीडे जा रहे हो और उन्हें अपने हर चलाकी अब रोक दी है। तुम्हारा बिजनेस देखो दोबारा से खड़ा हो गया। उसने अपनी ग्रैंडपा की बात सुनी, नाना जी की बात सुनी, एंड फिर उसको अपनी गलती महसूस हुआ और फिर उसने अपने लेजीपन को छोड़ दिया और उसने अपना काम दोबारा से बहुत हार्ड यानी बहुत मेहनत से दोबारा शुरू किया। जो आपका लेजीपन है वो बहुत बुरा है, वो कोई भी आपका वर्क कंप्लीट नहीं करने दे रहा, इसीलिए अपने लेजीपन को छोड़ो और अपना कंप्लीट योर वर्क और अपने टाइम पे अपना काम खत्म करो और अपने लेजीपन को छोड़ो। ओके, तो ये स्टोरी समझ आई सबको या फिर मैं दोबारा से एक बार दिखा दूं आप सभी को, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? ये मैम आई अंडरस्टैंड। तो मुझे सबसे पहले कौन एक्सप्लेन करेगा? मैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं सोनम से। सोनम आप शुरू करो पहले। ओके मैम, बस जो फार्मर था उस उनका नाम याद ही आ रहा। नो 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 नो, इंग्लिश इंग्लिश। ओके ए मैन फार्मर एंड ही हैव ए सन एंड he is very lazy and attitude. Named is Sumit. Son named is Sumit. And he and her father is very hard working. He is going to every day to temple and before work and son one day he is dead and now son is not changing. He always sleeping and one day her mother asked, I am person. So you doing your work because I am poor. So you any work. He is not understand. But she asked advice. You going to parents father, and he is going, and Grandpa. he is going ask advice her son. You always get up and every morning before sun. And now focus your work. He is understand now grandparents' words. इसके आगे नहीं समझा पा रही मैं. Okay. It is okay. You're doing very good. Okay. Now,
लीना। मैम अगर हिंदी में होगा तो मैं सुना दूंगी। नहीं बेटा हिंदी में नहीं है, हिंदी में हमारा काफी टाइम चल गया है, हिंदी में नहीं, अब ओनली इंग्लिश। अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो हमें कैसे आएगा? हम ये तो बता सकते हैं, हम जैसे ये बताते हैं कि एक गांव में एक आदमी था, वन विलेज, आपकी लैंग्वेज में बता रही हूँ इसी तरह कि ए मतलब वन विलेज लिव्ड ए मैन एंड हिज नेम दिस एंड हिज सन आल्सो एंड हिज सन इज वेरी लेजी, जैसे आप इजीली बना सकते हो, भले गड़बड़ हो उसमें, बट जितना भी आपने उसमें इंग्लिश का वर्ड सीखा है मुझे बस वही जानना है कि आपने उसमें क्या सीखा। ओके आप याद करके आना, ठीक है? इकरा आप शुरू करो। यस मैम। अ विलेज वन फार्मर हिज सन वेरी लेजी सन नेम सुमित father money lender and then son is very lazy no hard working only every day slept one day father he's die one day mother asking son we are mother advise son grandpa asking so business my very loss hello ma'am a village a man farmer one son very lazy and son very lazy every day slept no hard working no participate in business one day father died mother advise son please going to grandpa and ma'am इट इज ओके इकरा, आपने जितना भी सुनाया बहुत अच्छा सुनाया, वेरी गुड। ओके और एक और चीज है, जो चीज आपको तुरंत देखकर समझ में आएगी, बाद में तो हम तो 50 बार देख के भी कर लेते हैं, लेकिन अगर मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ, एक बार हम वीडियो वॉच करते हैं तो एक बार में बहुत कम बार समझ होता है, तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो आप लोगों को दोबारा बोलना चाहिए कि मैम आप एक बार और वीडियो दिखा दो, क्योंकि हमें थोड़े से डाउट्स है। एक दो बार आप वीडियो वॉच करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद आप थोड़ा एक्सप्लेन जरूर करो। ओके यस मैम। बट यू एंड डूइंग वेरी गुड, आप दोनों ने जितना भी एक्सप्लेन किया वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। कमियां उसमें थी लेकिन कमियों से ज्यादा आपने कोशिश किया, इट्स वेरी गुड। ओके
तो अब हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ये स्टोरी का लिंक इकरा भेज देगी या इकरा देख लेगी, आप सब लोग देख लेना। और ये स्टोरी बाद में आप सभी को मेरे पर्सनल नंबर पे एक्सप्लेन करना है। ओके मैम, हमें भी। ओके मैम, बिल्कुल। ओके मैम, ओके ओके, थैंक यू मैम, बाय बाय मैम, बाय बाय मैम।